तो G20 की बैठक का आज तीसरा दिन है, कल अंतिम दिन है, उस पर नजर हम बनाए हुए हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे, रुक करते हैं एक और बड़ी खबर का। रेवाड़ी से खबर है, अवैध निर्माण पर प्रशासन का एक्शन। दुकान तोड़ने पहुंची नगर परिषद की टीम। रेलवे रोड पर 9 दुकानों को तोड़ने के लिए टीम पहुंची है। आनन फानन में दुकानों को खाली करने लगे लोग, हालांकि पहले ही नोटिस इनको दिया गया था। व्यापारी नगर परिषद की जमीन पर बनी हुई है ये दुकानें। 2 साल से दुकान तोड़ने के लिए मुद्दा उठ रहा था, परिषद अधिकारी कर्मचारियों पर लग रहे थे आरोप। तो इस वक्त की बड़ी खबर, रेलवे रोड पर आनन फानन में दुकानों को खाली करने लगे लोग, जबकि प्रशासन का कहना है कि पहले ही नोटिस दिया गया था। नगर परिषद की जमीन पर ये दुकानें बनी हुई हैं, अवैध तरीके से इन दुकानों को बनाया गया था। तो रेवाड़ी से बड़ी खबर, अवैध निर्माण पर प्रशासन का प्रहार। दुकान तोड़ने पहुंची नगर परिषद की टीम, और जब टीम पहुंची तो वहां पर अफरा तफरी मच गई। रेलवे रोड पर 9 दुकानों को तोड़ने पहुंची है टीम। आनन फानन में दुकानों को खाली करने लगे व्यापारी। नगर परिषद की जमीन पर ये दुकानें बनी थी, लंबे वक्त से इनके खिलाफ कार्रवाई की प्रक्रिया चल रही थी, लेकिन अब दुकानों को तोड़ने के लिए जिला प्रशासन पहुंचा है। और जब टीम पहुंची तो अफरा तफरी मच गई दुकानदारों में। दुकानदार अपनी दुकानों से सामान निकालने लगे, तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। अवैध कब्जों के खिलाफ हरियाणा के अंदर लगातार कार्रवाई हो रही है, और इसी कड़ी में ये कार्रवाई भी की जा रही है। अवैध तरीके से जिला परिषद की जमीन पर ये दुकानें बनाई गई थी, रेवाड़ी का मामला है। एक के बाद एक प्रशासन का बुलडोजर चल रहा है, बुलडोजर से प्रहार किया जा रहा है, लेकिन अवैध कब्जाधारी फिर भी बाज नहीं आ रहे हैं। 9 दुकानें हैं जिसको तोड़ने के लिए प्रशासन पहुंचा है। आनन फानन में दुकानों को खाली करने लगे व्यापारी। तो बड़ी खबर इस वक्त रेवाड़ी से, अवैध निर्माण पर प्रशासन का एक्शन। दुकान तोड़ने पहुंची नगर परिषद की टीम, और जब टीम पहुंची तो अफरा तफरी मच गई। रेलवे रोड पर 9 दुकानों को तोड़ने का यह मामला है। जब टीम पहुंची तो आनंद फानन में दुकानों को खाली करने लगे कारोबारी। नगर परिषद काफी लंबे वक्त से दुकानों को खाली करने की बात कर रहा था, इनके खिलाफ कार्रवाई के लिए प्रक्रिया चल रही थी, उसी के तहत अब कार्रवाई की जा रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, अवैध निर्माण पर प्रशासन का फिर